हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये सोनी कंपनी का एक होम थिएटर है, लेकिन ये ओरिजिनल सोनी का नहीं है, ये मार्केट का लोकल माल है, ठीक है। तो तब भी आपको इसका जो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, देखिए सप्लाई देने के बाद इसका जो ब्लूटूथ किट का डिस्प्ले आने के बाद साथ साथ चला जाता है, और उसका साथ जो जो बेस का स्पीकर है वो थोड़ा हार्मिंग साउंड देने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसका बैक कवर मैं ओपन करके रखा है, तो आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा, आप किस तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देख सकते हो इसके अंदर तीनों 20-30 का IC है, और ये नॉर्मल सा किट है, ठीक है। और ये PCB का अंदर एक अलग सा रेगुलेटर देखा जाता है, जो 5 वोल्ट रेगुलेटर होता है, या ये PCB से मेन सप्लाई वो रेगुलेटर पर जाता है, और रेगुलेटर से अलग सा 5 वोल्ट जो ब्लूटूथ किट होता है वहाँ पर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये सप्लाई वोल्ट को आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, तो मैं चेक करूँगा और आपको भी देखाऊँगा, ठीक है। एक्चुअली ये PCB को जितना बार सप्लाई देता हूँ उतना भर ही वो ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद साथ साथ वो बंद हो जाता है, और स्टार्टिंग का समय हार्मिंग साउंड देता है, हार्मिंग साउंड देने के बाद पूरा ही साउंड बंद हो जाता है और डिस्प्ले का लाइट भी चला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, PCB के अंदर दो कैपेसिटर है, और ये जो पॉजिटिव सप्लाई, ये सप्लाई से 5 वोल्ट रेगुलेटर का सप्लाई देता है, और मिडिल पिन ग्राउंड और राइट साइड ये आउट पिन होता है, 5 वोल्ट आउट, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देने का साथ साथ आपको देखाऊंगा ये तीनों पिन का, दोनों साइड पिन का वोल्टेज। एक साइड 15 से 17 वोल्ट तक वो इनपुट होता है, और आउटपुट 5 वोल्ट होता है, ठीक है। मैं देखिए मीटर का एक नेगेटिव कोड मैं नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, और सप्लाई पिन के साथ पॉजिटिव कोड कनेक्शन किया। देखिए मैं सप्लाई देने के साथ उस साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, आप मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको दोबारा दिखाता हूँ सप्लाई ऑफ करके और ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए 15 वोल्ट सप्लाई इनपुट होता है, और उसके बाद साथ साथ ये वोल्टेज 5 वोल्ट का आसपास वो ड्रॉप हो जाता है, और इसका साथ आप आउटपुट वोल्टेज देख सकते हो, इसका 5 वोल्ट रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो रेगुलेटर का जो सप्लाई, ये जो ब्लैक वाला वायर मैं ओपन किया, और आप देख सकते हो 5 वोल्ट रेगुलेटर है, ठीक है। तो इसका मिडिल पिन नेगेटिव है, और ये लगता है कि ये रेगुलेटर फॉल्ट है। इस तरह आप देखेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रेगुलेटर फॉल्ट भी हो सकता है, तो इसलिए मैं रेगुलेटर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर है, ठीक है। ये बाएं साइड पिन से सप्लाई इनपुट होगा, और राइट साइड पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो दोस्तों ये रेगुलेटर का हीट सिंक बहुत पतला था, तो इसलिए मैं एक मोटा सा रेगुलेटर का हीट सिंक, ठीक है, रेगुलेटर का हीट सिंक मैं मोटा सा अलग सा हीट सिंक में, हीट सिंक का ऊपर मैं ये रेगुलेटर लगाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हीट सिंक पतला होगा, और हीट सिंक नहीं देने के बाद भी ये रेगुलेटर अधिकतर फॉल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं रेगुलेटर लगा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो इसकी मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये डाउट से एक प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं अलग हीट सिंक का ऊपर ये मैं 5 वोल्ट जो 7805 का जो नंबर है, ये रेगुलेटर मैं फर्स्ट टाइट कर देता हूँ, और स्क्रू से करने का बाद मैं PCB पर लगाऊंगा, ठीक है। और लगाने के बाद आप ध्यान दीजिए, आपको पूरा ही वोल्टेज चेक करके देखाऊंगा, ठीक है, कि देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं ये रेगुलेटर मैं क्यों चेंज करता हूँ, कि अधिकतर ये रेगुलेटर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाता है इस तरह जो आपको दिखाया, तो इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। तो देखिए, और ये लगाने के बाद अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद सॉल्व होगा तो बहुत ही अच्छा बात है, और सॉल्व नहीं होगा तो आपको और जो देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ देखाऊंगे इस वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों ये जो रेगुलेटर का आउटपुट सप्लाई, वो लाइन पर एक जेनर भी देखा जाता है कुछ कुछ PCB के अंदर, तो वो जेनर भी अधिकतर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बजाय वो भी फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो आउटपुट 5 वोल्ट लाइन पर जेनर नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये जो ब्लैक वाला, ये नेगेटिव कॉइल नहीं है, ये 5 वोल्ट सप्लाई का लाइन है जो
जो पीसीबी जो चिप बोर्ड यूएसबी बोर्ड होता है वहाँ पर जाता है यहाँ से, ठीक है। सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं ये कनेक्शन काट दिया, सेम तरह जिस तरह था सेम रेगुलेटर मैं चेंज किया, और उसके बाद सप्लाई देने के बाद आपको वोल्टेज एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, और देखिए आउटपुट पर वोल्टेज फिर भी ड्रॉप है 1.2 वोल्ट, और इनपुट सप्लाई देखिए तब भी ड्रॉप है, तो इसका रीजन क्या है। तो चलिए मैं और क्लियर करके आपको देखने के मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो सप्लाई जो जाता है और इनपुट वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाता है, तो चलिए मैं आपको जो क्लियर करके देखूँगा। देखिए ये जो पीसीबी होता है, ठीक है, ये पीसीबी का मैं थोड़ा सा सेट किया और आपको अच्छा करके मैं दिखाने के मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो लाइन से सप्लाई यूएसबी बोर्ड पर जाता है, ठीक है, ये सप्लाई को मैं ओपन कर दिया। तो पहले ही आपको ओपन करके मैं नहीं दिखाया क्योंकि आपका मन में कुछ नया डाउट ना आ जाए। तो दोस्तों देखिए जब मैं ये ओपन कर दिया, देखिए इसका 5 वोल्ट आउटपुट ये ओके दिखा जाता है, ठीक है, देखिए, और इसका इनपुट सप्लाई भी देखिए ओके है। तो क्या लगता है, इसका रेगुलेटर ओके है, ठीक है। तो चलिए और उसका बाद ये कनेक्शन को सप्लाई का मैं कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है। मैं सेट को ऑफ करके ये सप्लाई में कनेक्शन काट देता हूँ। काटने के बाद आपको दोबारा सप्लाई दे के वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई देने के बाद देखिए इसका जब वोल्टेज फिर भी ड्रॉप हो गया, ठीक है, ओनली 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई कनेक्शन देने के बाद ही वो ड्रॉप हो जाता है। ये 5 वोल्ट सप्लाई का लाइन है, ठीक है, जो यूएसबी बोर्ड पर जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको और क्लियर करके मैं दिखाने के मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। ये वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं ये होम थिएटर का मैं घुमा लेता हूँ क्योंकि इसका जो सामने वाला जो यूएसबी बोर्ड है, ठीक है, इसका अंदर ब्लूटूथ किट भी है और एफएम भी है, ठीक है, सब कुछ एक साथ है। तो ये मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसका जो वायरिंग या आपको सब कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका जो बेस कंट्रोलर एक है और वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, और उसके अंदर एक एलईडी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका एलईडी पर सप्लाई आ गया, ठीक है। ये जो सप्लाई लाइन होता है ये सप्लाई लाइन से एक नेगेटिव पॉइंट एलईडी के साथ और एलईडी का एक पॉजिटिव सप्लाई से दोनों सप्लाई ये जो यूएसबी बोर्ड होता है इसका अंदर चला गया, ठीक है। तो ये सप्लाई जैक को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब देखिए इसका जो एलईडी देखिए ज़ोर से ग्लो होने लगता है, और जब मैं ये सप्लाई यूएसबी बोर्ड का अंदर मैं दे देता हूँ तो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो छोटा वाला दो कनेक्शन का पॉइंट है रेड और ब्लैक, ये जो कनेक्शन मैं लगाता हूँ ये 5 वोल्ट सप्लाई इन होता है, ठीक है, और नेगेटिव। तो जब मैं 5 वोल्ट सप्लाई इन कर देता हूँ देखिए इसका जो लैम्प ये ऑफ हो गया, ठीक है, एक्चुअली 5 वोल्ट वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है आपको मन में लगेगा कि आप देख सकते हो जी ये जो चिप बोर्ड होता है जो यूएसबी बोर्ड होता है ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, ठीक है। मैं अलग से बोर्ड लगा के देख लिया फास्ट, और उसके बाद फाइनली मैं एक ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है, और देखिए इसका जो पुराना वाला ट्रांसफार्मर का वायर मैं ओपन करके ही रखा है, ठीक है। उसका पहले इसका जो प्रॉब्लम और हो सकता है, कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, डायोड भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक ट्रांसफार्मर लगाया, ये ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा सप्लाई देके, ठीक है। और अब देखिए इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व ट्रांसफार्मर लगाने के बाद नहीं होगा, तो कैपेसिटर डायोड आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये ट्रांसफार्मर लगाया, ये ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज 12012 का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और देखिए मैं अलग से इसे सप्लाई दे दिया, ठीक है, और देखिए सप्लाई देने के बाद देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये डाउट्स एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ओनली 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन करने के बाद ही टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो मन में लगता है कि इसका बहुत कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका जो ट्रांसफार्मर ये प्रॉब्लम है ये किसी का दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो तब भी आपको इस तरह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं सप्लाई तो दे दिया, इसका होम थिएटर तो ऑन हो गया है, और उसके बाद आपको वोल्टेज थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ अब मीटर पर
फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए इसका जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज देखिए, ये 17 वोल्ट ही ओके हो गया, ठीक है। और उसका बाद अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है, 17.9 वोल्ट देखा जाता है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज जो 5 वोल्ट होना चाहिए, देखिए इसका 5 वोल्ट भी ओके है, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर का फॉल्ट था। तो दोस्तों इस तरह वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम आपको बार बार बताता हूँ, 5 वोल्ट रेगुलेटर से हो सकता है, डायोड लीकेज होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है जो चारों रेक्टिफाइड डायोड होता है, और कैपेसिटर प्रॉब्लम होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली इसका ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम का वजह ये प्रॉब्लम मैं फेस किया। और दोस्तों देखिए मैं ब्लूटूथ किट जो USB कोड किट होता है वो मैं ओपन करके रखा, आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए लाइट देखा जाता है, ये ऑन है। आपको दोबारा सप्लाई ऑफ करके और ऑन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आप फॉलो कीजिए। देखिए ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा ही मैं टाइट काट लेता हूँ। टाइट काटने के बाद देखिए मैं ये सब कुछ कनेक्शन होकर करने के बाद देखिए आपको फिर भी दिखाता हूँ ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को और बहुत वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों।